तो ये जो वाटरफॉल है इसका नाम रानी दहरा क्यों रखा गया है? बारिश, अरे भाई कितना तेज गिर रहा है यार। वाओ, ले लूंगा और स्ट्राइक मारवाऊंगा तेरी ये चैनल के किकर पास से ले भी। इसकी प्लानिंग थी सर, मैं बताऊं ये छोड़ के आया है। 15 से बच गए रे भाई, 105 गाड़ी 15 सामने। हेलो वेलकम मोटा भाई, मोटा बहन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं रानी दहरा वाटरफॉल और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा घा चलना। पीछे का बैकग्राउंड देखो यार कितना प्यारा लगा। और ये हमारे मां साहब हैं, मां साहब हेलो बोले। हेलो। और ये हमारे ये देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो यार अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ रानी दहरा वाटरफॉल पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है वहाँ का सीन। बहुत प्यारा लग रहा है। ये मामा है हमारे, राम राम। Come back in another brand new PUBG mobile. Yeah. तो यार अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे रानी दहरा वाटरफॉल। यहाँ पे गेम चल रहा है वो। यार बारिश हो रही है बहुत गंदी, बहुत ज्यादा, और लोग चढ़ नहीं पा रहे। हम फर्स्ट गाइस। देखो वो लोग चढ़ रहे हैं। यार बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे और हमको जाना है वाटरफॉल जो उस तरफ है। एक और वाटरफॉल है नीचे जिसको हम छोड़ के हैं। यहाँ पे नेटवर्क मिलता है। देखो बारिश हो रही, बहुत प्यारा लग रहा है। व्यू भी बहुत प्यारा है यहाँ का। यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं हमारे भालू। भालू है ये, अरे मामा है वो। देखो वहाँ पे बड़े मामा बैठे हुए हैं। एक दिन मजदूरी निकाल ले। जैसे पहुँचे हैं और तो गाइस अब बहुत हो गए हिंदी में व्लॉगिंग, अब हम करेंगे अपने भाषा में व्लॉगिंग। मैं कह रहा हूँ वापस से चलते हैं। नहीं जाते। तो यार धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा। छुपन की जगह नहीं है कहीं, तो फिर का मतलब जा रहे हैं दिन जाओ। बहुत तेज बारिश हो रही है। देखो यहाँ पे जंगल अंगल है। मैं भी भींग चुका हूँ बहुत ज्यादा, हमारे मामा भींग चुके हैं और सुबैया भी भींग चुके हैं। यहाँ पे इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये लोग भींग रहे हैं नहीं भींग रहे हैं।
नहीं जाइए भी जाओ फालतू से पता है यार गाइस देखो और भाई बंदर है बंदर है देखो पानी से घुस जा ना ऊपर ढक्कन नहीं लगा एक को तो मैं तो कहता हूँ कि अब गाड़ी आड़ी नहीं नकान ये रुक जाओ जब तक बाढ़ नहीं हटी तब तक देखर मोबाइल स्प्लैश प्रूफ ना है ने P3 आई सर्टिफिकेशन नहीं है देखर मोबाइल सड़ी जल्दी अपन मतलब अतोला भी ऐड करत रहे पानी है बे वाटर लेवल तो गजब बढ़े तो यार फाइनली वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और देखो यहाँ का सीन देखो ये देखो कितना तेज पानी गिर रहा है यार यहाँ पे देखो ये देखो यार भाई ऐसे लग रहा ना क्या बता दूं मैं यहाँ पे बहुत ही तेज पानी अरे भाई कितना तेज गिर रहा है यार वाह और यहाँ पे हम सब लोग भीग चुके हैं बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं बारिश की वजह से बारिश हुई आज हमको पता नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी ये हमारे माँ साहब देखो खेप रहे हैं यहाँ पे ओ भाई फंस गए हैं भाई वो लोग ठेका गए नहीं होते मन तो देखो ना क्या बोलो बड़े लोगों को बच्चे तो यार ये जो है ना ये जो नदी है ना यहाँ से वो ऊपर वाटरफॉल है फिर यहाँ से ये जो नीचे फबारा टाइप से बन के गिर रहा है ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे यहाँ गड्ढा हुई कि नहीं हुई यहाँ गड्ढा हुई कि नहीं हुई बनाता नहीं रे भाई ये गड्ढा हुई कि नहीं हुई है चले आगे चले वहाँ बात एक बार धोखा सी है पैर फिसल गए तो माँ से चला जाए भाई आओ सुनना एक तो लाइन बोलोगा सुनना रे एक लाइन यहाँ की पानी बढ़ रहा है काफी इक्विपमेंट डजंट मैटर इफ यू हैव गोप्रो जो मेन वाटरफॉल है यहाँ का रानी दहरा वाटरफॉल का मेन वाटरफॉल ये है मैं चलता हूँ यहाँ पे वाटरफॉल पे चलते हैं अभी मैं दिखाता हूँ फिर आपको पीछे से भाई अभी आ रहे हैं यार भाई साहब देखो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कैमरे में पर देखो कितना प्यारा लग रहा है यार सच में क्या बताऊं कैसे यहाँ पे भींग भी रहा हूँ और ऊपर से कितने तेज फव्वारे उठ रहे हैं फव्वारे तो ठीक है पर यहाँ पे ना जो ये देखो ये भाप टाइप से बन के उठ रहा इतना तेज मतलब यहाँ पे ना इतना तेज यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज ये भाई है ना ये उतर चुके हैं और अब मैं भी नीचे जा रहा हूँ दादा भाई भी नीचे हैं आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जो पानी का बहाव है बहुत तेज है
ये देखो इतना तेज बहाव है ना कि मेरी आवाज आ रही होगी कि नहीं, आवाज ही नहीं जा रही भाई। यहाँ पे देखो माता माता लोग भी है और हमारे दादा भाई लोग पीछे छूट गए थे। कितना प्यारा लग रहा ना ये वही वाटरफॉल है ये वाला जो मैं नीचे से दिखाया था और उसके ऊपर का वाटरफॉल ये है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोग, जूम करके दिखाता हूँ मैं अभी आप लोग को। हम लोग ऊपर चढ़े हैं, अभी बारिश रुकी है तो यहाँ पे धूप निकला है। यहाँ पे देखो तो देखो ये है वो वाटरफॉल, ये आगे वाला है। तो ये जो वाटरफॉल है इसका नाम रानी धारा क्यों रखा गया है? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये है वाटरफॉल जो सेकंड नंबर का है और एक और है इसके ऊपर जो है यही है फर्स्ट थर्ड थर्ड हाँ ना ये थर्ड नहीं मतलब अपन ऊपर से गिनेंगे ना, ऊपर से गिनेंगे तो सेकंड वाला है। तो रानी दायरा वाटरफॉल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो रानी रही होगी तो वो आई होगी अपनी सहेलियों के साथ अरे पानी लेने के लिए और बर्तन पानी वाले बर्तन जो रहते हैं उसको दोहराने के लिए बोली होगी, ठीक है। इसलिए इस जगह का नाम रानी दहरा वाटरफॉल, दहरा मतलब एक बर्तन के ऊपर एक और बर्तन रखना, दूसरा तीसरा, इसको कहते हैं दोहराना, दहरा रानी दहरा वाटरफॉल। देखो कितना तेज आवाज़ आ रहा है। ये वाला वाटरफॉल मैं वहाँ से दिखाया था आपको, वहाँ पे बैठ के ये और ऊपर है चले कहाँ जाओ और वाटरफॉल है उस तरफ आगे। तो हम नक पाएंगे कि नहीं तो यार दादा भाई भी आ चुके हैं अभी, ये हमारे दादा भाई हैं जो छूट गए थे पीछे, ये भी आ चुके हैं और हम लोग वो ऊपर से नीचे उतर गया है। मस्त लग रहा ना भाई, देखिए पता है। हेलो आगे चलते हैं, वो आगे वाले थे।
हथियार हमको नकना पड़ेगा आगे जाने के लिए वो उधर। हाँ जो फर्स्ट वाटरफॉल है ना उसको नकना है। गड्ढा है, गड्ढा है। हाँ गुल्ली नक पाओ यहाँ यहाँ ले यार उंगल बन जाए पत्थर पत्थर सब। बहुत तेज देखो यहाँ पे नक रहे हैं हमारे मामा नक रहे हैं यहाँ पे देखो। पूरा आगे से नक पड़ जाए वहाँ से देख तो भला चलो कपड़ा सुखवा रहे तो तो ये है यार जो फर्स्ट वाटरफॉल है यहाँ का रानी धारा वाटरफॉल। और हमारे कपड़े पूरे भींग चुके थे वो हमने कपड़े उतार दिए हैं और सुखाने के लिए रख दिए हैं। धूप निकला इसलिए कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाटरफॉल यहाँ का जो छोटा है उसके बाद फिर थोड़ा छोटा उसके बाद फिर जो थर्ड वाला है वो बड़ा है। जो सबसे बड़ा दिखता है वो थर्ड वाला दिखता है और उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो सबसे बड़ा है। देखो पता नहीं अब मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं क्योंकि इतना तेज बहाव है यहाँ। नहाए के मन कर सुने और नहा लैका है चाली होती कूद के कोई रुक कत में गमछा उधर रहो गमछा लग लाइन। हां यार ना 6 बजे निकल गया तो मजा आई। हां वट्टा है पिकनिक पिकनिक का टाइप का वो ना और तो फिर वो कर लाइक करे ये ऊपर से। हां वो ऊपर सुकून से वो नीचे नहीं है भीड़ पकड़ लो। हां ऊपर है आज वो ऊपर चलथन रे वो कूद से कहां चल। तो हम लोग पहुंच गए जो फर्स्ट वाटरफॉल था वहाँ पे। हाँ ये यही तो फर्स्ट वाले वाटरफॉल यही चाहे फर्स्ट कह लेला सेकंड या हो गए पांच थे तो है। हाँ पांच थे पांच थे तो गहरा है रे भाई यहाँ देख पानी खलोर थे। देखो यहाँ पे ये लोग लगा गए हैं भीख खा रहे हैं। ये है यार अपनी गाड़ी अर्टिगा MP52 पासिंग अपनी। और हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं
बिल्कुल, ये पूरा पहाड़ चढ़े थे हम लोग। हाँ, ये पूरा पहाड़ चढ़े थे हम लोग। यहाँ पे भालू बहुत बोल रहे हैं, चिलेन से पूछते हैं। ये वाला व्यू ना मैं पहले से ले लूंगा और स्ट्राइक मरवाऊंगा तेरी ये चैनल के घर पास से ले लूंगा, तेजी से ले लूंगा मैं GoPro से। GoPro की वीडियो तभी मैं निकाल। अरे रुक जा ना, रुक जा रुक जा, ओकर बाद फिर तुरंत कट 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 कर ऐड ऐड कर दे। राजा राजा रेडी यार, बता तो जीरो का मौसम लगा रुक। इसकी प्लानिंग थी सर, मैं बताऊं ये छोड़ गया है इसको। मैं नहीं छोड़ा था। अरे तो गाली खा ले तो बोला बात लेतन। हां गाली खा ले तो मैं पता जूता पहन रहा मैं और चाय पिया पेट लगे तुम लोग चले गए तो नहीं जाते, नेक्स्ट टाइम चल देंगे, ये ख्याल आ गया। फिर इनको फोन भी लगा दिया, आ भी रहा हूँ बोल रहा हूँ है ना, इनको तुम लोग को जब बोला आ रहा हूँ। बंदर से बच गए रे भाई, 105 गाड़ी है बंदर सामने। भाई ब्रेक नहीं लगाया मैं, एक ब्रेक नहीं, मतलब मर जाए या मैं मर जाऊँ, वो मर जाए। ऐसे हमारे दादा ऐसे बोले दिन का सफर का पूरा। तो अब वहाँ पे पानी में छेका गए जी, घोड़ा घाट की टर्निंग 80-80 में कटी है, 90 में कटी है, और बड़ी टर्निंग 100 में कटी है। ए, भाई साहब ये क्या हो रहा उधर कैमरा में? और हमारी रेसिंग चली है कोई कुछ दूर से, FZ MP 17 है ना, FZ में। हाँ नहीं, FZ वो एक गाड़ी थी जो मेरे साथ कॉम्पीट कर रही थी बहुत देर तक, उन्होंने मुझे पीछे से लगा हो कि वो नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया पर मैं सिंगल था। हाँ। वो लोग मेरा मॉडल डाउन कर रहे थे पर मैं भाभी रफ्तार का वो निब्बा थे क्या वो लोग? नहीं 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 निब्बा नहीं, 100% राइडर वो भी मतलब वो थे पट्टा थे। अच्छा पट्टा थे। फिर उनके बारे में और बताइए। अच्छा नहीं फिर लास्ट उनको लगा कि लड़का पीछे हो जाएगा, कई लोगों से मैं कुछ जगह चाय पीने के लिए रुका, इसके बाद मैं उम्मीद छोड़ दिया था कि उनको बीट कर पाऊंगा, पर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, 5000 में डाला, 6000 में डाल दी, 100 फिर मक्खन की तरह चलाया गाड़ी, ऐसा कॉन्फिडेंस आया, रोड भी अच्छी थी। हाँ। फिर तो मतलब रोड इतनी अच्छी है, गाड़ी इतनी अच्छी, MP 15 जिसका टॉर्क इतना अच्छा, उसके टायर इतने अच्छे, पावर फ्यूल थोड़ी टर्निंग काटने में थोड़ा डर लग रहा था, बाकी मैं खुद कॉन्फिडेंस था उस गाड़ी को लेकर, मुझे भरोसा था, यामा पहले मेरे घर में है ऑलवेज, तो यामा पे मुझे पहले से मतलब भरोसा था, ट्रस्ट था। आपके घर में कौन सी गाड़ी? मेरे पास FZ है ओल्ड वाली, मेरे दादा भाई के पास है, 6 साल पुरानी है, पर भरोसा उसने आज तक साथ नहीं छोड़ा है किसी भी वक्त, तो मुझे भी भरोसा था, मेरे दोस्त पे कम गाड़ी पे ज़्यादा था। हमारी ले रहा। अब वो गाड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर काश 200 NS होती जो मेरी नेक्स्ट बाइक में फेवरेट बाइक थी, KTM से ज़्यादा बेहतर मुझे वो लगती है। KTM यहाँ पे है, उसकी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी पावर मुझे बहुत अच्छी लगती है, काश वो होती तो हो सकता है इनको और पहले पुआ जाता बोला जाता है। और KTM आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? KTM तो मैं 390 या तो 790 सुपर ड्यूक। और कावासाकी निंजा क्यों नहीं? निंजा अभी नहीं प्लान कर रहे, अपन सोच रहे हैं स्क्रैम्बलर लिया जाए, ट्राई स्क्रैम्बलर बहुत अच्छी गाड़ी, ऐसे झरने में चढ़ा सकते हैं। हाँ अभी हम लोग गए थे ये पूरा यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के गए थे, तो यहाँ पे अपन चढ़ा सकते हैं। हाँ यहाँ बिल्कुल स्क्रैम्बलर चढ़ सकती है। उसके सस्पेंशन कैसे हैं? बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, ऐसे सस्पेंशन अपने इंडिया की किसी गाड़ी में नहीं देते, कॉपी तो कर रहे कोशिश। वहाँ पे राइडर गाड़ी निकाल रहे हैं, देखो हमारे हमारे KD भाई साहब। और आगे कर ले, और आगे कर लेता बैक कर ही दादा कहीं पट्टा उतर जाओ। तो और बताना चाहेंगे, आपके सामने मैंने सुना बंदरा भी आ गया। हाँ बंदर आ गया था, बंदरा नहीं बंदर वो रफ्तार थी 105 110 की थी, पर बंदर को देखते ही थोड़ा सा स्पीड थोड़ी 105 में पहुंच गए। फिर मैं तो सोच रहा था ये मारे या तो मैं मारूँ, ये तो मुझे मार दे या तो मैं मर जाऊँ, पर मुझे पहुंचना है। फिर भी बजरंगबली की आशीर्वाद था, वो बंदर भी लग गया, मैं भी बच गया। तो बच गया, बच गया। और तो गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भरोसा था मुझे गाड़ी पर, गाड़ी पर मुझ पर भरोसा, गाड़ी आप पे भरोसा कर रहा। सिगरेट सिगरेट और एक डब्बा सिगरेट, ऐसा करके गाड़ी चलाते हैं। अरे घाट ट्राई कैसे अच्छे लोग रखते हैं। अरे भैया बड़ा भूख भाई, कैसे लगा गाड़ी चला के? कहाँ की भी गाड़ी है अपने, ये जंगल की गाड़ी है गाड़ी। हाँ गाड़ी हेड आखी जो राइट साइड का हेड आ गया। हाँ अब ये कौन ड्राइवर हट गया? बी कहाँ के? बी कहाँ के थे आप? डांड लग गया उसका, डांड लग गया, चुक्कुल हो गया है। चले अब तो, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, बहुत थक गए।